हे गाइस, दिस इज शिवा। गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लव ब्रेकअप से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस और इंग्लिश फ्रेजेस। ये सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अक्सर हम किसी का प्यार का रिश्ता टूटते समय यानी ब्रेकअप होते समय बहुत ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से बोल सके और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने में और भी मदद हो सके। तो गाइस, ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ ब्रेकअप का मतलब क्या होता है। तो गाइस, ब्रेकअप का मतलब होता है प्यार में अपने साथी से आपका प्यार का रिश्ता तोड़ना यानी ख़त्म कर देना और उनसे जुदा हो जाने को हम इंग्लिश में ब्रेकअप बोलते हैं। तो चले गाइस, आप सेंटेंसेस जान लेते हैं। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया यानी प्यार का रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई ब्रोक अप विथ हर। ये ब्रोकअप जो है ये ब्रेकअप का सेकंड फॉर्म है। तो अगला सेंटेंस है, तुमने उसके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा, वाई डिड यू ब्रेकअप विथ हर। मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके अलावा किसी और लड़के से भी प्यार किया और आपको धोखा दिया, तो इसलिए आपने उसका साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई ब्रोक अप विथ हर बिकॉज शी चीटेड ऑन मी। वो तुम्हें धोखा दे रही है, मतलब शी इज चीटिंग ऑन यू। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई लड़की आपके फ्रेंड को सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब के लिए प्यार का नाटक कर रही है, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो यार वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे शी इज यूजिंग यू। वो तुम्हारे साथ खेल रही है, शी इज प्लेइंग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, या इसे आप इस तरह से भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ यानी मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। तुम क्यों मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ मी। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू एनी मोर। अच्छा ठीक है, मत रहो मेरे साथ। ओके फाइन, डोंट बी विथ मी। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे छोड़ दिया। जब प्यार में आपका साथी आपको किसी कारण आपको छोड़ देता है, जैसे कि मान लो अगर आपने उसे कुछ बड़ा झूठ बोल दिया हो या आपने उसे कुछ बहुत गुस्सा दिला दिया हो, तो तब वो ये बर्दाश्त ना करते हुए अगर आपको छोड़ देता है तो तब आप कहते हो उसने मुझे छोड़ दिया। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही डंप्ड मी। डंप्ड जो है ये डंप का सेकंड फॉर्म होता है। तो ये डंप का एक्चुअल में मतलब होता है किसी का दिल तोड़ना और उन्हें छोड़ देना। तो अगला सेंटेंस है, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझे झूठ बोला। आई डंप्ड हर बिकॉज शी लाइड टू मी। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विथ समवन एल्स। तुमने सारे वादे तोड़ दिए। यू ब्रोक ऑल द प्रोमिसेस। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हार्ट। मैं अब और तुम्हें प्यार नहीं करता। आई डोंट लव यू एनी मोर।
और गाइस और कुछ फ्रेजेस है जो कि बहुत यूज़ करते हैं ब्रेकअप करते समय, तो चले गाइस वो भी जान लेते हैं। तो गाइस फ्रेज है इट्स ओवर, इट्स ओवर। तो गाइस इसको आप तब यूज़ करोगे जब आपको ब्रेकअप करते समय कहना हो कि अब सब ख़त्म हो गया है, यानी हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है और इससे आगे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। तो ऐसे कहने के लिए आप इंग्लिश में सिंपली बोल सकते हो इट्स ओवर। अगला है वी आर डन। तो गाइस इसको आप तब यूज़ करोगे जब आपको कहना हो कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म और हमारे बीच अब प्यार व्यार कुछ नहीं है, तो इसके लिए आप कहोगे वी आर डन। तो ये थे गाइस कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस जिन्हें कि आप अपने साथी से ब्रेकअप करते समय यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपका ब्रेकअप कभी ना हो और आपको इन सेंटेंसेस की ज़रूरत कभी ना पड़े। अगर बदकिस्मती से अगर ब्रेकअप हो जाता है तो गाइस ज़रूर इन सेंटेंसेस का यूज़ करें। तो गाइस ये थी आज की ये वीडियो। तो गाइस जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर कोई आपका दोस्त इंग्लिश सीख रहा हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।